ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की पार्टिसिपेटेड एजेंडा। और हर दिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है और नीचे जा रही है, हालांकि कल ही तो साफ हो गया था। और उस वक्त भी हमने कहा था कि बस एक फॉर्मेलिटी है कि रिजल्ट जब आएगा पाकिस्तान की हार, और एक ऐसी हार जहां पर मतलब 550 प्लस रन करने के बाद इनिंग्स डिफीट हो जाए, वो टेस्ट क्रिकेट में अपना ही एक अलग इतिहास वो रच दिया है पाकिस्तान ने। और बोला है कि कोई भी टीम शायद इतनी खराब नहीं होगी जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगी, इतनी खराब तो नहीं होगी कि 500 प्लस रन या 550 प्लस रन करने के बाद इस तरीके की हार उनको देखनी पड़ेगी जहां पर सेकंड इनिंग्स दूसरी की टीम की लगेगी ही नहीं। और बड़े सारे सवाल वहां पर लगातार उठ रहे हैं। शान मसूद बतौर कप्तान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, उन्होंने भी कुछ कुछ पॉइंट्स टच करे, और उन्होंने तो ये उम्मीद दिखाई और बताई कि अगर हम वो रन पार पा जाते 150-200 हम कर देते ऊपर अगर, तो हम भी टेस्ट मैच जीत सकते थे, ऐसा उन्होंने कहा है कि। लेकिन शायद उन्होंने अपनी टीम के जो, अरे माना कि आपको इंग्लिश बोलने आती है लेकिन इसका मतलब आप कुछ भी बोल दोगे यार। वो क्या किए शान मसूद, कोई उससे पूछता होता कि एक पारी में जो जहां पे आपने 11 रन बनाए वहां पे 4 बार आप आउट हुए और चौथी बार में तो निकल ही गए आप, तीसरी में निकल गए आप, हो जाएंगे। मतलब वो बंदा बोलता है कि 20 विकेट लेने वाले हमारे पास गेंदबाज नहीं है इसलिए हम मैच हार गए। 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज आप कैसे बनाओगे? उनके पास 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं है। वो उनका आत्मविश्वास तोड़ के नेशनल हाईवे देकर आप बनाओगे? मुझे तरस आता है पाकिस्तान की आवाम पे, जहां पे जिस मुल्क में इतनी दहशतगर्दी है, जिस मुल्क में इतना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जिस मुल्क में इतनी महंगाई है, वहां पे सुकून देने वाली एक ही चीज है, वो है क्रिकेट। उसको हमारे देश की तरह, मजहब की तरह वो मानते हैं, शिद्दत से चाहते हैं। उस मुल्क में आप पहले बांग्लादेश से हारते हो, फिर बनाते हो नेशनल हाईवे, वहां पे आपने पहले पारी में तो बना लिया आपने 550, लेकिन आपने लुटा दिए 223 रन। और उसके बाद एक दिन बैटिंग करनी थी यार आपको उसी हाईवे पे, कुछ ऐसा नहीं था कि आप कर ही नहीं सकते थे, लेकिन वो विश्वास वो भरोसा आप में बचा ही नहीं, तो गेंदबाजों के सर पे ठीकरा फोड़ने से होगा क्या? प्रॉपर ऐसा बढ़ जाओगे आप उनके ऊपर फोड़ देगी, फोइल फेल तो बैटिंग हो रही जो अगर पिछले उनके दो तीन मैच रहे जिसमें एक में चलो 448 कुछ पे डिक्लेयर किया, तो सेकंड इनिंग्स की बैटिंग उनको मारते हैं कि जहां पर प्रेशर लग रहा होता है, जहां पर आपको कुछ करना होता है, टांगे कांप जाती है इनकी। तो अगर शायद सेकंड इनिंग से बैटिंग कर जाते तो आप कहते कि यार बॉलिंग तो चलो दोनों एंड से एक तरफ से 550 बने, इंग्लैंड तेज खेलती तो उन्होंने 800, पर बैटिंग भी तो नहीं हुई ना। और शान मसूद इस वक्त आप पिछले 3 साल सारी टीमों का रिकॉर्ड निकाल के देखें, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आई थिंक पिछले 3 साल में अपने घर पे पौने 3 साल में अपने घर पे टेस्ट मैच नहीं जीता। मुबारक हो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आई थिंक सबसे नीचे चले गए जी, बैटिंग एवरेज सबसे नीचे है इनके। देखो अब ना यहां से क्या होगा, पाकिस्तान अगर यहां है तो वो कभी इतना जाएगा, कभी ऐसे होगा, कभी पाकिस्तान ऐसे नहीं आएगा अगले 15-20 साल। अब पाकिस्तान वहां नहीं, पाकिस्तान यहां है, वो नहीं आएगा, बिकॉज वहां पर क्या हुआ ना, सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। आप जब सिस्टम कोलैप्स कर ले, ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।